हेलो फ्रेंड्स, मैं स्लीम लैंगियान आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्यूटर क्रैश कोर्स पार्ट टू की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो 1100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का चल रहा है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 101 से 200 तक। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आने वाली सभी एग्जाम्स जैसे दिल्ली पुलिस, हरियाणा कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, जूनियर इंजीनियर, रेवेन्यू पटवारी या इसके अलावा जो भी अपकमिंग एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, उसके अंदर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम सेकंड वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने के लिए हाजिर हुए हैं। जो हम नोट्स बता रहे हैं आपको, तो वो हैं दोस्तों हिंदुस्तान के सबसे बड़े नोट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं संकल्प सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आपको आईएएस या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट से, तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है, तो आप इस एड्रेस को नोट कर सकते हैं, जल्दी से स्क्रीन शॉट कर लीजिए और आप इसके साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, सभी कैंडिडेट्स को आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन 101 से लेके 200 तक। तो हमने पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको एग्जाम या एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण नोट्स और आपको वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन के किस कैप्शन में फ्लोटिंग फ्रेम ऑप्शन पाया जाता है? तो किस ऑप्शन में पाया जाता है दोस्तों? इंसर्ट के अंदर। तो आपको अगर एप्लीकेशन के अंदर काम किया है तो आप इजीली बता सकते हैं दोस्तों, अगर नहीं किया तो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो कौन सा नहीं होता उसके अंदर दोस्तों? डेटा का ऑप्शन नहीं होता। जिस कैप्शन में ओपन ऑफिस का वर्जन पाया जाता है, तो सॉरी किस कैप्शन में पाया जाता है, तो किस कैप्शन में पाया जाता है? हेल्प मेन्यू के अंदर पाया जाता है ओपन ऑफिस वर्जन का ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में ऑथर्स नेम डालने का सही क्रम क्या है? तो इसके अंदर जो सही क्रम है, इंसर्ट के अंदर फील्ड में जाके ऑथर का नाम डालेंगे, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा हमारे लिए। उसके बाद है एमएस वर्ड के किस ऑप्शन में थिसोरस ऑप्शन होता है? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन। तो ये होता है दोस्तों रिव्यू के अंदर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों केवीएस और DSSB के अंदर आए थे। उसके बाद अगर आगे बात की जाए, तो एआई की कोर भाषा है, एआई क्या होता है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी कोर भाषा क्या है? लिस्प है, लिस्प, LISP, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107, प्रोग्रामिंग भाषाओं में मल्टी थ्रेड कंसेप्ट में प्रारंभ हुआ था, तो कौन सी जनरेशन के अंदर प्रारंभ हुआ था? भाई ये थर्ड जनरेशन के अंदर प्रारंभ हुआ था। तो थर्ड जनरेशन के अंदर आपकी ये कुछ मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आए थे प्रोग्रामिंग भाषाओं से, तो उसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपको थ्योरेटिकल वीडियो चाहिए दोस्तों, थ्योरेटिकल वीडियो मैंने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बना रखी है, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ पे आप एंजॉय ले सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग भाषाओं की इस वीडियो का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे ब्लैंक एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? HTML भी होती है, XML भी होती है, जावास्क्रिप्ट भी होती है, तो पोस्ट स्क्रिप्ट कोई भाषा नहीं होती दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये भी, निम्न में से कौन सा फाइंड एंड रिप्लेस के लिए सही क्रम है? तो फाइंड मतलब ढूंढना, रिप्लेस मतलब बदलना, तो इसके लिए कौन सा है दोस्तों? एडिट फाइंड रिप्लेस। बहुत ईजी है, आप ए ऑप्शन के साथ जाइए। उसके बाद निम्न में से कौन पेज लेआउट कैप्शन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट के अंदर टेबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। पेज लेआउट के अंदर मार्जिन साइड ओरिएंटेशन होता है, टेबल का कोई काम नहीं होता। पेज लेआउट कैप्शन का मतलब होता है, तो हमारा पेज होता है उसकी जो चारों ओर जो हम स्पेस छोड़ते हैं उसको हम मार्जिन बोलते हैं दोस्तों। ओरिएंटेशन दो होती हैं, एक लैंडस्केप, एक पोर्ट्रेट। और साइज क्या होता है दोस्तों? जैसे A3, A4, A2, A1 पेपर या लीगल पेपर, लेटर पेपर, तो इनको बोलते हैं साइज। उसके बाद है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारा डी, 111। निम्न में से कौन सा पेज नंबर ऑप्शन पाने का सही क्रम है?
तो पेज नंबर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आधार के ऊपर बताना है दोस्तों। इंसर्ट के ऊपर जाके सीधा पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चित्र डालने का सही क्रम बिल्कुल इजी है दोस्तों। आपको इसके अंदर सिंपल अगर आपको पिक्चर डालनी है तो आप पिक्चर इंसर्ट के अंदर पिक्चर डालेंगे और सिलेक्ट कर देंगे, फिर उसको इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 113, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट कहाँ पाया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चार्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं इंसर्ट कैप्शन के अंदर। तो इंसर्ट कैप्शन के अंदर आपका चार्ट मिलेगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नई फाइल बनाने का सही क्रम क्या है। नई फाइल आप कैसे बना सकते हो, बहुत इजी है। तो उसके लिए आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है दोस्तों। तो बी ऑप्शन रहेगा इसके अंदर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 115, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी फाइल के अवयवों को कॉपी करने का शॉर्टकट। शॉर्टकट बटन कॉपी करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, आपको पता ही है, Ctrl+C, Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C से लेके Z तक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको चाहिए सारी की सारी शॉर्टकट कॉपी की वीडियो, तो A से लेके Z तक मैंने हमारे YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी बना के डाल रखी है, तो आप उनको देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शब्दों को बोल्ड करने का तरीका क्या है, बहुत ही ईजी है। Ctrl+B शॉर्टकट की होती है, और बोल्ड करने के लिए आपको प्रोसेस जो करनी पड़ेगी, शब्दों को चुने और बोल्ड बटन दबाएं, दैट्स ऑल। सेकेंड मेथड क्या है, शब्दों को चुनें और Ctrl+B कमांड दें। उसके बाद बहुत इजी है ये, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए कौन सा क्रम उचित है। तो ये भी बहुत इजी है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां पे हम सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट आप ऑप्शन जो चाहे वो चुन सकते हैं एज यू विश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 118, तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है। टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलेगा इंसर्ट कैप्शन से। उसके बाद है सवत हेडर एवं फुटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होते हैं, सेंटीमीटर के अंदर होते हैं, अपने आप जो लेके चलता है। उसके बाद है ओपन ऑफिस में फॉर्मेट कैप्शन में निम्न में से कौन नहीं होता, तो ओपन ऑफिस में भाई क्या नहीं होता फॉर्मेट में, एंकर, फ्लिप, ऑरेंज, ये सारे होते हैं, बट ये नहीं होता फॉर्मूला। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट बटन ओपन ऑफिस में क्या है, तो क्या होता है, Ctrl+A। मैंने आपको सारी की सारी शॉर्टकट की बताई है, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+C कॉपी, D डुप्लीकेट स्लाइड, E सेंटर अलाइनमेंट। तो मैंने सारी की सारी वीडियो बना रखी है शॉर्टकट की, आप तो वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122, किसी फाइल की पेन ड्राइव में भेजने के लिए ओपन ऑफिस में निम्न में से क्या करते हैं, तो क्या करते हैं भाई, फाइल के अंदर जाके सेव एज के अंदर जाना पड़ेगा और उस एज पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद पेन ड्राइव ऑप्शन सेलेक्ट करके फाइल नेम सेव करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ओपन ऑफिस में अपडेट किस कैप्शन में होता है, तो ये किस कैप्शन के अंदर होता है, टूल के अंदर होता है। उसके बाद है ओपन ऑफिस में टेबल इंसर्ट का शॉर्टकट बटन क्या है, तो इसका बिल्कुल ईजी है, Ctrl+F12 रहेगा आपका, और अगर खाली F12 की बात की जाए तो खाली F12 होता है दोस्तों सेव एज के लिए, सेव एज के लिए, ठीक है। उसके बाद है आगे ओपन कुंजी में टूंगा ब्लैंक है, तो टूंगा क्या है, यहाँ पे देखो D मतलब फॉन्ट, टूंगा एक फॉन्ट होता है, आपको मैं टूंगा की स्पेलिंग बता देता हूँ, TUNGA, ये एक फॉन्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो फ्लोपी ड्राइव भी नहीं होता, सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, प्रिंटर भी नहीं होता, सीधी सी बात है एक फॉन्ट ही होगा ना ओपन ऑफिस में टूंगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए एरियल, एरियल भी एक फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन वो भी एक फॉन्ट है, तो इस तरह से आपके बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किसी शब्द का स्वाभाविक रंग क्या है, बिल्कुल ईजी है, ब्लैक ही होगा डिफॉल्ट कलर तो, और बैकग्राउंड कैसा होता है, व्हाइट होता है, बहुत ईजी होता है ये तो। उसके बाद Ctrl+X ओपन ऑफिस वर्कशीट में किसका शॉर्टकट बटन है, अरे बिल्कुल ईजी है, Ctrl+X का मतलब होता है दोस्तों कट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलती कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद है एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को रन टाइम पर गतिशील रूप से बनाने व प्रदर्शित करने की आज्ञा हेतु आपको एक फॉर्म कैसे डिजाइन करना चाहिए, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ज्यादा लंबा क्वेश्चन है आपके लिए नहीं आएगा, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही करवाता हूँ ज्यादातर आपको, विंडोज के विभिन्न एप्लीकेशन में किसी टेक्स्ट को बदलने हेतु हम किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं, भाई इसके लिए बिल्कुल ईजी सा है Ctrl+H। आपको अगर कोई भी
बदलना है, रिप्लेस करना है, तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एच। एमएस ऑफिस में किस मेन्यू का प्रयोग साइज बदलने हेतु किया जाता है, तो किसका किया जाता है भाई, डाटा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी कंपनी ने एमएस ऑफिस 2000 को विकसित किया है, माइक्रोसॉफ्ट ही है अकेली कंपनी। निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, तो दोस्तों इसका हिस्सा कौन सा नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है इमेज एडिटर। उसके बाद है, एमएस वर्ड में नए पैराग्राफ को प्रारंभ करने हेतु कौन सी की दबाई जाएगी, नया पैराग्राफ बनाना है तो उसके लिए क्या दबाई जाएगी, एंटर की, दैट्स ऑल। फॉन्ट एवं उसके आधार को परिवर्तित करने हेतु कौन से टूल बार का उपयोग होता है, तो कौन से टूल बार का होता है, फॉर्मेटिंग का होता है। किसी भी फॉन्ट को कॉपी करने के बाद कितनी बार पेस्ट किया जा सकता है, पेस्ट करने की कोई लिमिट नहीं होती, कितनी बार करो, अनेकों बार। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकों बार आएगा इसका। उसके बाद है, कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह का नहीं है, तो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, स्मार्ट सूट नहीं होता। उसके बाद है, यदि कंप्यूटर प्रोग्राम बिल्कुल रुक जाए तो वापस विंडोज में आने के लिए कौन सी की दबानी चाहिए, तो देखो कंट्रोल प्लस एस्केप प्लस डिलीट। उसके बाद है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा और आप वापस आ सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए तो आप इन्हीं तीन की का यूज करेंगे तो आपको कंप्यूटर के हैंग होने से बचाया जा सकता है। वर्ड प्रोग्राम में सेलेक्ट ऑल निर्देश में किस मद में आता है, तो सेलेक्ट ऑल किस मद में आता है भाई, इसके अंदर आता है, ये एडिट के अंदर, यानी कि सेकंड जो होता है एडिट उसके अंदर आएगा। उसके बाद है, वर्ड प्रोग्राम में स्पेलिंग चेक करने के लिए स्क्रीन पर बने चिन्ह पर क्या लिखा रहता है, तो क्या लिखा रहता है दोस्तों, ए बी सी लिखा रहता है, और ए बी सी से आप पता लगा सकते हैं कि ये किस लिए है, स्पेल चेक के लिए है, और इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F7, ठीक है। उसके बाद है, फॉर मेकिंग टेक्स्ट इन इटालिक्स द कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड इज, इटालिक के लिए आई आएगा कंट्रोल आई, दैट्स ऑल, कंट्रोल आई। उसके बाद सी ऑप्शन, ए हॉरिजॉन्टल बार ऑन द टॉप ऑफ द विंडो विच टेल यू द नेम ऑफ एप्लीकेशन इन विच यू आर वर्किंग इज वेरी गुड। ये कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल बार होता है ना, कोई भी विंडो होती है जो सबसे ऊपर एक पट्टी होती है जिसके ऊपर माइनस का निशान, एक डब्बा सा और एक क्रॉस का निशान होता है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, तो उस पूरी पट्टी को क्या बोलते हैं, उस पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार, क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और टास्क बार कौन सी होती है, जो सबसे नीचे होती है, और स्क्रॉल बार कौन सी होती है, जो आपकी स्क्रीन को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऐसे, दाएं बाएं ऐसे, जैसे अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ये ऐसे क्या होती है, आपकी स्क्रॉल बार होती है। उसके बाद है, वर्ड फाइल के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट कौन सा है, बिल्कुल ईजी, ab.doc, आपको पीछे क्या देखना है, .doc देखना है, तो .doc अकेली ऐसी है जिसके अंदर इसके आता है, उसके नाम कुछ भी हो आगे, ab की बजाय आप अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद है, वर्ड फाइल की सेव करने का सही विधि क्या है, किसी भी फाइल को आपको सेव करना है तो उसके लिए सही विधि क्या है, फाइल में जाओगे, सेव में जाओगे और किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर उसको सेव कर दोगे। इनके अंदर कैसे क्या रखा है दोस्तों, सेव का ऑप्शन ही नहीं दिखा रखा, तो सेव कहाँ पे होगा, तो इजी है आपका क्वेश्चन यही। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही चुनाव क्या है, तो सही चुनाव क्या है, रीनेम, दोबारा से उसका नेम चेंज करना। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की प्रक्रिया क्या है, तो प्रिंट करने की प्रक्रिया है ए, डॉक्यूमेंट को खोलो और फिर फाइल में जाओ और फिर प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद है, वर्ड फाइल में टेबल डालने के लिए सही विधि क्या है, बिल्कुल ईजी, इंसर्ट टेबल, सेलेक्ट रो और कॉलम और ओके। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है एमएस ऑफिस का हिस्सा, तो एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है, ये आएगा दोस्तों फोटोशॉप, ठीक है, फोटोशॉप। उसके बाद है, एमएस वर्ड का पूर्ण रूप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कहाँ पे लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन आ गया। डॉक्यूमेंट सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस। उसके बाद है 150, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना, F7, मैंने बताया था दोस्तों अभी आपको कुछ देर पहले F7। तो दोस्तों आज के हो गए हैं हमारे आधे क्वेश्चन इस वीडियो के, तो जल्दी से जो भी हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक करें, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151,
तो इसके अंदर है ब्लैंक का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, तो इसके लिए आएगा दोस्तों बी, यानी कि मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो खुद की लैंग्वेज होती है। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। तो उसके बाद है पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है, इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, आईबीएम एक कंपनी है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है, फोटो बनाने में नहीं किया जाता, व्यवसाय में भी नहीं किया जाता, शिक्षा में भी नहीं किया जाता, गणित के अंदर किया जाता है। उसके बाद है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली प्रोग्रामिंग भाषा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्ट्रान। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, बहुत ईजी है ये भी। आगे है आपका प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोबारा से, फोर्ट्रान। लोगो भाषा का उपयोग किया जाता है बच्चों को, भाई बच्चों की शिक्षा में किया जाता है, टेढ़ी मेढ़ी सीधी दाएं बाएं लाइन करने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वैज्ञानिक भाषा जो कंप्यूटर से रिलेटेड है आपकी, वो है आपकी फोर्ट्रान। बेसिक भाषा बिगनर के लिए है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बिगनर ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज या कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद है आगे कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? अभी तो बताया था आपको साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, बेसिक भाषा ही होगी तो सरल भाषा को सिखाने में किया जाता है। उसके बाद कोबोल भाषा का प्रयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी भाषा है जिसका यूज बिजनेस के लिए किया जाता है, व्यवसाय के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है? दैट इज कोल्ड कोबोल भाषा, कोबोल भाषा, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? वही क्वेश्चन रिपीटेड है, व्यावसायिक कार्यों के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 164, ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत फायदेमंद होते हैं दोस्तों आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको बार बार दिखाई देने वाले हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो वो भी वही आएगा, कोबोल। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, दोनों चीजें बदलती हैं भाई, कंपाइलर भी बदलता है और इंटरप्रीटर भी बदलता है। असेंबलर का काम क्या है? असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलेगा, इसके अंदर क्या दिखा रखा है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करेगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा सी, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा के समान कौन सी है इनमें से? कोबोल है। उसके बाद है किसी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है, तो किसके अंदर है? कोबोल के अंदर है, ऑप्शन सेकंड। उसके बाद है इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक की बात आ जाए तो फोर्ट्रान कर देंगे। उसके बाद है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को न्यू का पत्थर कहा जाता है? बेसिक को। बिगनर ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड को। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वैज्ञानिक गणना होगी तो सारी की सारी क्या जाएंगी? फोर्ट्रान। उसके बाद है फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए न्यू का पत्थर, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। बेसिक इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कौन सी है? तो ये कौन सी आएगी? जावा। इंटरनेट के ऊपर HTML का यूज करते हैं और जावा का यूज करते हैं, तो दोनों भाषाएं आपको याद रखनी है। उसके बाद बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है भाई प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 176, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है, वो तो खुद की भाषा होगी ना, मशीन की। कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन की खुद की भाषा मशीनी भाषा। प्रोलोग भाषा किस कब विकसित हुई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1972 के अंदर हुई थी भाई प्रोलोग भाषा। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर तथा सेपरेट सीट उदाहरण है, तो किस चीज के उदाहरण है ये? वर्ड प्रोसेसर और सेपरेट सीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। उसके बाद है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? अगर नाम पूछ लिया जाए साइंटिस्ट का, थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे, सन माइक्रो सिस्टम। अधिकतम कंप्यूटर क्या समझ सकते हैं भाई? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है वे शब्द यानी कि वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज
ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है क्या कहलाते हैं, उनको बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। उसके बाद है सी, बेसिक कोबोल और जावा उदाहरण है, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। उसके बाद सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, सारे कंप्यूटरों के अंदर मशीनी भाषा लागू होती है। उसके बाद इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज मैंने बताया था आपको, एक तो होगी आपकी जावा और दूसरी होगी आपकी HTML। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। उसके बाद है निम्न में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो इसके अंदर आएगा हाई लेवल लैंग्वेज, ए ऑप्शन। उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सके, लो लेवल लैंग्वेज। तो इसके अंदर दो भाषाएं होती हैं आपकी, असेंबली और लो लेवल। उसके बाद है मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जावा है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर हम इसी का यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 188, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से ब्लैंक हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो ये किसके लिए लेके आई जाती है दोस्तों, वेब सर्वर के लिए लेके आई जाती है। तो ये आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, तो ये सारे के सारे क्या है आपके, MS-DOS, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है, बच्चों की भाषा कौन सी होती है, लोगो, जो बच्चों को लाइन वगैरह मारने, लाइन लगाने में या लाइन ड्रॉ करने के लिए एक भाषा होती है। सी, बेसिक कोबोल और जावा ब्लैंक भाषाओं के उदाहरण है, तो कौन सी भाषाओं के है, हाई लेवल भाषाओं के, तो ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती हैं आपकी। उसके बाद है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, बेसिक को तो होती है, हाई लेवल को भी होती है, असेंबली को भी होती है, और सी को भी होती है, मशीन लैंग्वेज को नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को मशीन लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है। कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसके अंदर हाई लेवल, असेंबली लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, कोबोल भी है, फोरट्रॉन भी है, और आपका सी भी है, C++, ये नहीं है। नियमों के उस सेट को ब्लैंक कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है, बिल्कुल सिंपल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज ब्लैंक का प्रयोग करती है, तो कौन सी, न्यूमेरिक कोड का। उसके बाद है क्वेरी लैंग्वेज ब्लैंक जनरेशन में आती है, तो क्वेरी लैंग्वेज किस में आती है, इसका आंसर रहेगा बी, चतुर्थ जनरेशन में। सी भाषा में रिलेशन ऑपरेटर की संख्या क्या है, तो जो सी भाषा है उसके अंदर जो टोटल रिलेशन ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं आपके 6। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके SI और हरियाणा पुलिस के एग्जाम के अंदर भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। उसके बाद 198, सी प्रोग्राम की मदद से मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, तो क्या किया जाता है परिवर्तित, एक कंपाइलर। उसके बाद है सी वेरिएबल नाम में क्या शामिल नहीं कर सकते हैं, तो क्या शामिल नहीं कर सकते, ब्लैंक स्पेस। तो ये क्वेश्चन जो लैंग्वेज के हैं ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद है एक एरे के पहले एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बेस एड्रेस, क्या कहा जाता है दोस्तों, बेस एड्रेस। ये जो क्वेश्चन सीरीज अब चलनी स्टार्ट हुई है ना दोस्तों, तो ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है, तो आप इनको देख सकते हैं, आप आने वाले एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन जरूर दिखेंगे आपको, सी लैंग्वेज के या फिर सी प्लस प्लस के या फिर पाइथन के, तो आप इन क्वेश्चंस का डायरेक्ट रट्टा लगा सकते हैं। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता आप इनको याद करें, इनको ट्रिक है कोई, तो इनको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है दोस्तों, इसीलिए आप इनको सिर्फ याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, हमारे द्वारा की गई ये छोटी सी कोशिश, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट IAS सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, तो मैं आपको बता दूं सबसे अच्छा विकल्प है आप लोगों के लिए
संकल्प सिविल सर्विसेज क्लासेज। तो यहाँ पे मैं आपको फ्री में सारे नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट के अंदर अपने आंसर, अपनी राय और अपने सजेशन दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट्स को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।